हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे एकदम क्लियर। अब वीडियो अच्छे से देखेंगे तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ये देखने में तो आसान लगता है एक्सीडेंट और इंसिडेंट, लेकिन कहीं पे आपसे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, कहीं पे ये छोटी छोटी क्वेश्चन सब इंटरव्यू में पूछा जाता है जो आदमी को ध्यान में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता है और कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो उसको कैसे जवाब देना है आज हम बताते हैं। एकदम आसान सा है, अच्छे से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से एकदम समझ में आ जाए, और अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में एक्सीडेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस क्या है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट बोथ आर अनप्लान्ड इवेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों क्या है ना, एक अनप्लान्ड इवेंट है, मतलब अनप्लान्ड, न चाह के भी अचानक सा कोई घटना घटता है, अनप्लान्ड, इसका कोई प्लान नहीं होता है। एक्सीडेंट मीन्स समथिंग लॉस आइदर इट्स प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ, मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है और क्या है इंसान का भी लॉस हो सकता है, मतलब जान भी जा सकती है। इंसिडेंट मीन्स समथिंग हैपन बट नो एनी लॉस आइदर प्रॉपर्टी और लाइफ। इंसिडेंट मतलब कुछ दुर्घटना होती है लेकिन इसमें कोई लॉस नहीं होता, मतलब प्रॉपर्टी का भी लॉस नहीं होता और लाइफ का भी लॉस नहीं होता, मतलब इसमें कुछ इंसिडेंट होता है, छोटा मोटा दुर्घटना होती है लेकिन उसमें कुछ भी नुकसान ना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कार से अगर जब मेरा एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे क्या है, मेरी जान भी जा सकती है या हाथ पैर टूट सकती है, लेकिन हम खुद से लड़खड़ा के कहीं पे गिर जाते हैं, कहीं पे हम खुद से लड़खड़ा के गिरते तो फिर क्या है, हाथ पैर हम झाड़ के खड़े हो जाते हैं। तो कार से जो एक्सीडेंट होता है इसमें मेरी जान जा सकती है, चोट लगी, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो यहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम खुद से गिरे और फिर खड़े हुए, हाथ पैर झाड़ के खड़े हो गए और फिर हम चले गए, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट। एक्सीडेंट रिजल्ट टू इंजूरी लॉस्ट ऑफ लाइफ डैमेज टू इक्विपमेंट ईसीटी। एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होता है, इसमें लाइफ मतलब मौत हो सकती है या कोई भी इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है। बट एन इंसिडेंट डज नॉट रिजल्ट टू डेथ और सीरियस इंजूरी, लेकिन इंसिडेंट का रिजल्ट क्या है, मौत नहीं और सीरियस इंजूरी नहीं, मतलब कोई खतरा, मतलब कोई चोट, डेंजर सा चोट वगैरह नहीं। मे रिजल्ट टू इक्विपमेंट डैमेज, लेकिन इसका रिजल्ट, इंसिडेंट का रिजल्ट क्या है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, मतलब इक्विपमेंट वगैरह कोई गिर गया तो थोड़ा टूट फूट सकता है, लेकिन कोई इसमें बड़ा सा दुर्घटना या बड़ा सा कोई डैमेज वगैरह कुछ लॉस वगैरह नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट। यहाँ पे आपको एक्सीडेंट और इंसिडेंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब यही डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे कि हम और भी आपको अच्छे अच्छे सेफ्टी का वीडियो देते रहें।